नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं महानगर की खबरों की ओर। मोबाया समिति के चुनाव तेहट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव के बाद अब पालशीपाड़ा की धोपता सहकारी कृषि विकास समिति के चुनाव में माकपा ने जीत हासिल की है। 49 सीटों पर सीपीएम समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, वहीं 20 सीटों पर तृणमूल समर्थित प्रत्याशी। इस साल पंचायत चुनाव के पहले माकपा की जीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शमशेरगंज के तालतला में लकड़ी की दुकान और गोदाम में आग लग गई। सोमवार की सुबह लगी आग से लाखों रुपए के फर्नीचर समेत लकड़ी का सारा सामान जलकर राख हो गया। तीन गोदामों में चारपाई व अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। देखिए तो अनेक आग लग गया है, तो सब जले जले पूरे छाई हो गए हैं, तो प्राय 50-60 लाख टाकार क्षति हुई। सब फर्नीचर सब काट सब फर्नीचर खाट जा आज सब छाई हो गए हैं पूरे। नियंत्रण की होवेलो आग গ্রামবাসী চেষ্টা করেছে, তারপরে আবার ফায়ার ব্রিগেডকে কল করা হলো, ফায়ার ব্রিগেড এলো, আবার আগুন নিয়ন্ত্রণে। আমরা এসে দেখছি যে তিনটে দোকান পুড়ছে, ওর মধ্যে কাঠের আসবাবপত্র ছিল আর প্লাইবোর্ড ছিল। আর কি কি ছিল? কাঠের খাট ফাট এইসব রেডি খাট ছিল, আর ওই আলমারি ফালমারি যা ছিল মোটামুটি সব বের করেছে, আর প্লাইবোর্ড ছিল। कैनिंग थाना क्षेत्र के कॉलेज मोड़ बाहर सोना इलाके में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से एक अवैध देसी कट्टा, धारदार हथियार सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की पहचान खलील अली मोल्ला, अमीनुद्दीन मोल्ला, रमजान मोल्ला और नजरुल लस्कर के रूप में की गई है। बांसबेड़िया श्री रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम और लायंस क्लब ऑफ बांसबेड़िया के सहयोग से बांसबेड़िया के कुंडू घाट विवेकानंद आश्रम में रक्तदान शिविर एवं निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। देश और विदेश से जुड़ी खबरों पर एक नजर। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह पक्ष की याचिका वापस की। मथुरा कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई के आदेश। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।